भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम ने प्रेस वार्ता कर आजम खान पर जमकर हमला बोला। यूपी के रामपुर में गौतम ने प्रेस वार्ता में आजम खान का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा। आजम खान ने जया प्रदा पर जो अभद्र और विवादित बयान दिया था, उस बयान के बाद से भाजपा में काफी उबाल है और पूरे देश में आजम खान के बयान की निंदा की जा रही है। साथ ही खान के नामांकन रद्द करने की भी मांग उठ रही है। वहीं गौतम ने आजम खान को अंडरवियरबाज कहा। रामपुर की जनता ने मन बना लिया है, किसी प्रकार से भी इस अंडरवियर बाज को सबक सिखाना है, ताकि आने वाले समय के अंदर किसी प्रकार से महिला वर्ग की माँ बहन बेटियों के साथ ऐसे अवर्ध टिप्पणी नहीं कर सके। पूरी क्षेत्र की बहन बेटियाँ माताएँ, चाहे वे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी ग्रुप का ग्रुप बनाकर क्षेत्र में निकली हुई है। जहाँ तक चार्टर समाज की बात है, अनुसूचित जाति वर्ग की बात है, तीन दिन के अंदर लगातार हजारों कार्यकर्ताओं ने सुनकास्ट के जाटर समाज के लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया है और उनका कहना भी यही है कि मायावती जी वोट के लालच के कारण गेस्ट हाउस कांड भूल सकती हैं, लेकिन समाज अपनी बहन बेटी की इज्जत टूटने वालों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा।